हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खाना एंड फ्लेवर्स। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसको हमने एक कप आटे और दो आलूओं से बनाया है। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम दो आलूओं को कट करके इस तरीके से और उसके बाद वॉश कर लेंगे और अब हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और एक प्याज को कट करके हमने इसी तरह ले लिया है वॉश करके और इसको भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे और अब मिश्रण को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हमने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, एक चौथाई चम्मच हम देगी मिर्च ले लेंगे। इस मिर्च से हमारा तीता कम रहता है लेकिन कलर बढ़िया आता है नाश्ते में। और एक चम्मच ही इसमें हम सफ़ेद तिल डाल देंगे और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। एक चम्मच में हम हरा धनिया डाल देंगे और अब हम सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देंगे, इसको भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम चम्मच को साइड में रख देंगे और अब थोड़ा थोड़ा आटा इसमें हम डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे और इसका एक बढ़िया सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच के बराबर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इसको भी हम बढ़िया से इसमें मिला लेंगे। इससे हमारा डो एकदम चिकना हो जाता है। तो डो हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो आटा हमारा सेट हो चुका है, तो अब चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और मल लेते हैं। और अब इसके बाद इसमें से हम एक बड़ा सा लोई तोड़ लेंगे इतने आकार का और इसको हम बढ़िया से लोई बना लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसको सूखे आटे में डिप करके बढ़िया से इसको झाड़ के और फिर इसको हम बढ़िया से एक रोटी के आकार में बेल लेते हैं बड़ा सा। ये नाश्ता बहुत ही झटपट बनता है, कभी भी आप इसको बना सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट या शाम के नाश्ते के समय चाय पे खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इसको हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इतने मोटाई में हम बेल लेंगे इसको। और अब हम एक गिलास लेके इसको इस तरीके से कट करते हुए पूरी को निकाल लेंगे। और जो साइड के आटा है उसको हम फिर से आटे में मिला लेंगे और इसी तरीके से हम सारे पूड़ियाँ बना लेंगे नाश्ते के लिए। तो ये देखिए, हमने सारे नाश्ते को रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसको तल लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने पहले से ही ऑयल को गर्म कर लिया था, इसको हम मीडियम टू हाई पे तलेंगे। इसमें हम 4 से 5 पूड़ियों को डाल देंगे, इनको क्रिस्पी होने तक तल लेंगे अलटते पलटते हुए इस तरीके से। ऑयल को पूड़ियों पे डालते हुए इनको अच्छे से हम तलेंगे ताकि हमारे पूड़ी फूले फूले बने नाश्ता। अब इस एक तरफ से हमारे पूड़ी सेक चुके हैं तो हम दूसरी तरफ पलट देंगे। इसको हम अलटते पलटते हुए बहुत ही क्रिस्पी कर लेंगे। तो हमारे नाश्ता रेडी हो चुका है, अब इनको हम निकाल लेंगे। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह सारे नाश्ते को हम तल लेंगे।
तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसको आप टोमेटो केचप या किसी भी चीज़ के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए या आलू की सब्जी के साथ खाइए, या आप खाली इसी तरह भी आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है नाश्ता, तो आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।